कितनी क्यूट लग रही है, कितनी क्यूट लग रही है ना, लाइक अ गुंडी गुंडी। ओह माय गॉड, हु इज लुकिंग सो क्यूट? इज दैट लियाना? इज दैट बेबी लियाना? हाँ, ये डायपर इधर अंदर कर दो। ये देखो ना, इधर बॉटल रखने के लिए जगह है। तो फाइनली हम लोगों ने डिसाइड किया कि लियाना नहीं जा रही है, शी स्टिल अनवेल, और हम भी ज़्यादा प्रेशर नहीं करेंगे। हम भी चाहेंगे कि बच्चे की सहूलियत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है देन एनीथिंग एल्स। बॉडी बैग लिया दिविशा का, उसमें दिविशा का भी बैठी नहीं है। चलो सूटकेस उठा लो, यही है ना? अच्छा, वो तो लेके गया। तो लियाना का सूटकेस जो पैक था अभी घर पे ही है। बिना लियाना के जाने में मुझे बहुत दुख हो रहा है। जय हनुमान, जय सीताराम, गणपति बप्पा मोरिया। मेरा तो पूरा बैकपैक हो गया था, मेरा भी, लियाना का भी। लेकिन लास्ट मोमेंट पे हम लोग सोच रहे थे जाए कि ना जाए, लेकिन लियाना का तबीयत बुखार कम ही नहीं हो रहा। तो हम लोग जाने से पहले सोचा एक बार डॉक्टर से बात कर लेते हैं। तो फ़ोन पे बात किया, डिटेल्स में बोला उनको कि उनका बहुत बुखार है। तो डॉक्टर ने बोला नहीं, मत लेके मत जाओ। तो सोचा नहीं नहीं, तू लोग चले जा, मैं रह जाती हूँ लियाना को लेके। लियाना का बाल ले लिया। बाय पाब्लो। डॉक्टर ने कहा कि अगर आपके पास ऑप्शन है कि आप लियाना को रख के जा सकते हो तो आप प्लीज़ वही करो, क्योंकि मैं नहीं एडवाइस करूँगा कि विथ फीवर लियाना ट्रैवल करे। तो डॉक्टर की बात सुन के हमने मम्मी के पास लियाना को छोड़ के जाने का फैसला लिया। लियाना और किसी के साथ तो रुकेगी नहीं, मेरी माँ के अलावा। लियाना अपनी नानी के साथ हमेशा बहुत ज़्यादा खुश रहती है, तो नानी को भी हमने घर पे छोड़ दिया, मतलब मेरी मम्मी को, जबकि मेरी मम्मी को जाने की बहुत इच्छा थी। मुझे कोई उसमें कोई वो नहीं है कि मैं क्यों नहीं जा पाई, बाद में चले जाएंगे फिर से। बचपन में तो मैं भी मेरे बच्चे को मेरे माँ के पास छोड़ के जाती थी, अगर उन लोगों का कुछ प्रॉब्लम होता था तो सोचती हूँ नहीं लेके मत जाए, माँ के पास रख के जाए। तो मैं भी तो उसकी नानी ही हूँ, मैं उसको रख लिया। मुझे ऐसा लगा, मैं तो अपनी नानी के घर बचपन में बहुत रहती थी, जब भी मम्मी पापा घूमने जाते थे मैं नानी बाड़ी ज़रूर रहती थी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों में से भी बहुत लोग ऐसे होंगे जो बचपन में बहुत ज़्यादा वक्त अपने नानी बाड़ी में गुजारे, तो इसीलिए नानी के साथ रहना कोई नई बात तो है नहीं। लियाना नहीं जा रही है, मेरा बहुत मन खराब हो रहा था घर पे। थोड़ा लग रहा है, खाली लग रहा है उसका, दंगा हंगामा चिल्लाना जिद करना। खैर, घर पे मैं देख कर आई हूँ वो आराम से सो रही है, मेरे लिए वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ना चिकिशु, है ना चिकिशु। सिद्धांत, हाँ गुरमीत, उसको बोल एकदम रेडी रहने के लिए मैंने जीविता को भेज दिया। हाँ बोल, भाग के जाना, 5 मिनट टाइम दिया उन लोगों ने। जीविता को बोल रहे हैं वो लोग, काउंटर क्लोज है, काउंटर क्लोज है, तब भी जीविता 5 मिनट लेके बैठी है। तो मेरा काफ़ी एंड मोमेंट में डिसाइड हुआ कि मैं जा रही हूँ वाराणसी। मैं एयरपोर्ट पहुँच गई थी और गुरमीत और दबीना अभी तक एयरपोर्ट ही नहीं पहुँचे थे। हमारी फ़्लाइट 1:15-1:20 की थी एंड इट वाज ऑलमोस्ट 12:15 एंड एज़ यू नो, जब हम चेक इन कराते हैं लगेज तब वो काउंटर बंद होता है। मैंने वहाँ पे मतलब इतना रिक्वेस्ट किया है, इतना कुछ बोला है कि वो लोग आ रहे हैं, दे आर विद बेबी, थोड़ा सा ट्रैफिक मिल गया है कि वो लोग ने काउंटर गुरमीत दबीना के लिए ओपन रखा। तब तक उन्होंने मुझे कहा कि आप काउंटर में मत रुकिए, आप जाओ बोर्डिंग के पास और वहाँ जाके जितना हमको पटाया वहाँ उनको भी पटा के रखो। मोमिता का कपड़े का बैग नहीं लाए, कहाँ था? बाहर ही रखा था। बाहर ही रखा था, बाहर नहीं था। अच्छा ठीक है, हम वहाँ से कर लेते हैं, चलो। अब ऐसा हुआ कि क्योंकि हम लोगों ने बहुत ज़्यादा वक्त घर पे निकाल दिया सोचने में और यू नो डिसीशन लेने में, हम एयरपोर्ट के लिए हो गए बहुत लेट। और फिर निकल के हम जो भागम दौड़ी किया, माय गॉड, मतलब क्रेजी, मतलब ऑलमोस्ट लगा फ्लाइट छूट ही गया। यार
बोलो, मुझे तो टेंशन ही हो रहा है। प्लीज हमारा वो हो जाए, गुरु से पिट्टू बैग ले लेना। तो जीविता अंदर पहले पहुंच चुकी थी और उसने बोला कि प्लीज़ हम आ रहे हैं भाग भाग के, थोड़े ट्रैफिक में फंस गए, कुछ ना कुछ कह के काउंटर खुला छोड़ा और जाके हम लोगों ने लगेज दिया। और लगेज देते टाइम पता चला कि हम लोग नैनी का लगेज घर पे ही छोड़ के चले गए भागम दौड़ी में। ठीक है, कोई नहीं, भगवान जब बुलाते हैं तो बंदोबस्त भी वही कर देते हैं, तो इसीलिए यही सोच के हम लोग निकल पड़े। हम लोग सब बहुत मम्मा पापा, पर कोई नहीं, तुम्हारा स्टेज देखा हमारा टेंशन चला गया। A few moments later. फ्लाइट में दिविशा वॉज अ ड्रीम, मतलब उसने बहुत इंजॉय किया, आराम से खेलते हुए, सोते हुए, खाना खाते हुए वो पहुंची। और देखते ही देखते ढाई घंटे के बाद हम लोग पहुंचे वाराणसी, शिव जी की नगरी काशी। तो फ्लाइट में ऐसा हुआ कि जीविता ने सुसु कर दिया। मैं मारूंगी तुमको, मैचिंग एक नाम रख दिया जबरदस्ती, दिविशा। और जब भी जीविता बोलती हूँ मुंह से निकलता है दिविशा। दिविशा ने शूसु कर दिया, पूरा जीन्स उसका गीला हो गया। तो एक ये स्पेयर इसमें था तो उसने पहन लिया। और गुरु ने तो हद ही कर दी, चम्मच तो मतलब आज लग रहा है मिला ही नहीं, तो ऐसे 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 डाल डाल के दूध घोला आए। हमारा भी खुद का ही मन खराब है। जी जी अच्छा, कब पिक देंगे मैम? ये जाएगा मेल। अच्छा, आप उनको बोलिएगा कि वहीं पे रहने के लिए बैग को, और हो सके तो बैग को बोलेगा कचड़े में भी डाल दे। बाकी सर हमारे पे कंप्लेन करें। मेरे पास तो सबूत भी है। आज तो पता नहीं क्या हो रहा है, ममिता का बैग घर पे ही छूट गया, कुछ भी पता नहीं, जैसे तैसे आ गए, दो पैसेंजर तो घर पे ही छूट गया। आमिर ने तो मतलब पावर बैंक रख दिया सूटकेस में। थक्की टिक्की, थक्की टिक्की, थक्की टिक्की था। और बैग नहीं आया। देखो तो अब मतलब हमारे ग्रुप में अभी बहुत ही सारे लोग हैं जो एक कपड़े में आएंगे और उसी कपड़े में जाएंगे। तो कोई नहीं, ये भी एडवेंचर है अपने में। आप लोग वाराणसी के ही है? मुंबई। हम यहाँ पे अपने बच्चे का मुंडन कराने आए हैं। आपके दो किड्स मुझे पता, लियाना और दिविशा। दिविशा तो कहाँ पे करेंगे हम लोग? वहाँ पे विंध्याचल एयरपोर्ट पे उतर के फैंस से मिल रहे थे और काफी सारी बातें कर रहे थे। और मुझे कुछ ऐसे लोग मिल गए जो काशी के ही है, जो हमें कुछ सजेशंस दे रहे थे कि यहाँ पे मुंडन कराया जा सकता है, क्योंकि वो खुद न्यूयॉर्क से वाराणसी आए थे मुंडन कराने के लिए, तो उन्होंने हमें भी सजेशन दिया। ओके, आ जाए। ऑलराइट, थैंक यू, बाय बाय। गुरु, अरे मैं इंफॉर्मेशन ले रही थी, दे आर लोकल पीपल ना, तो ये लोग न्यूयॉर्क में रहते हैं और इंडिया आए कल मुंबई, डायरेक्ट फ्लाइट वहाँ से वाराणसी, बिकॉज इनका घर है वाराणसी में। Where is my chicken shoe? अरे सर, आगे
जल्दी जल्दी चिकिशो को भेज दिया है गाड़ी में बैठने के लिए, क्योंकि बहुत टाइम लग गया ना हम लोगों का, बैग ही नहीं आया। आमिर का बैग मुंबई एयरपोर्ट में रह गया। उसके बैग में था पावर बैंक और कैमरा के कई सारा सामग्री। तो वहाँ पे भी लगा कि मतलब हड़बड़ाहट में पता नहीं क्या क्या हो रहा था, पर हम लोग कुछ ना कुछ करके बस आगे बढ़े जा रहे थे। जितना सामग्री आमिर के पीठ वाले बैग में था, हमने सोचा हम उसी से काम चला लेंगे, क्योंकि व्लॉग तो आप लोगों के पास पहुँचाना ही था बॉस। चीकी शू। दिविशा, ये खरगोश वाला जो पहन के बैठी है, ये देख के पूरी लग रही लियाना, क्योंकि लियाना भी ये पहनती थी। पर वैसे दो है, पता नहीं कैसे दिविशा, जीविता ने शायद दिया दो, और आज वो लग रही है लियाना। और इंस्टाग्राम में, क्योंकि मैंने सुबह अपडेट किया था कि ऐसा ऐसा हुआ है, मैं क्या करूं, क्योंकि मैं खुद भी बहुत कंफ्यूज थी, तो जितने लोगों का वही आया, सब ने एक्चुअली बोला कि लियाना को लेके मत ट्रैवल करो, एंड या लियाना को लेके नहीं ट्रैवल करें हम। और 2.5 घंटे की फ़्लाइट थी ना ऑलमोस्ट, तो अच्छा ही हुआ लियाना उतना देर बैठती नहीं, मतलब क्रैंकी हो के पागल हो जाती। बस आज का दिन ऑलमोस्ट हो ही गया, चिकिशा आज जाके आराम कर लेगी, कल थोड़ा सा है छोटू थोड़ू थोड़ू भागा दौड़ी, और परसों वापस चले जाएंगे, देखो कौन है। आधे रास्ते में हमारे पास फोन आया, मैम आपका लगेज एयरपोर्ट में है। मैंने अचानक ध्यान दिया, राइट, फिर हमारा लगेज कहाँ है? जो दो सूटकेस फाइनली जो पहुंचा था, जो हम लेकर आए थे, एक चिकित्सा का बैग और एक हमारा बैग, मेरा और गुरमीत का, तो वो कहाँ है? नहीं जीविता, वो दो बैग जो हम लेके आए वो ट्रॉली में रह गया ना। ट्रॉली क्या हो रहा है ये? की थक्की टिक्की, थक्की टिक्की था। प्लीज तू जा एयरपोर्ट पे और वो बैग लेके आ, तो तुम वो दे दो उसको, टिकट दे दो। बोर्डिंग पास कहाँ है? मुझे मेरे पास नहीं है गुरु, आई देखो ना हदी है, तो मुझे मेरे पास क्या है? मेरे पास है क्या? ये दे दो। ये हुआ नहीं है, ये हमेशा हर जब भी बेबीज के साथ आप जाते हैं पक्का भूल के जाते हैं, पहले आप करके सब निकल जाते हैं। हर एयरपोर्ट पर हम कुछ ना कुछ भूलते जा रहे हैं। और वापस आते आते मैं अपना फोन भूल गई हूँ। आते ही हमने एक बैग छोड़ दिया, क्योंकि पहली बार ट्रैवल कर रहे हैं ना इतने बच्चों के साथ, बच्चों का ही बैग छोड़ दिया हूँ। यही कर सकते क्या करूं, ओ लेडीज मैं हूं आदत से मजबूर। नैनी ने एक बैग अपना छोड़ दिया घर पे, आमिर ने अपना एयरपोर्ट पे, मुंबई एयरपोर्ट में, यहाँ के दो एयरपोर्ट पे। मुझे लगता है जाते जाते बॉम्बे पहुंचते सब लोग बिना कपड़े के पहुंचे। खाली हाथ आए थे हम, खाली हाथ जाएंगे। कोई नहीं, चिकिशा का फेस देखो और खुश हो जाओ। दिविशा हमारे ऊपर हंस रही है, क्या ही कर रहे हैं ये लोग।